मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लाइट। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है। तब अचानक ही वेदर चेंज हो जाता है, हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक बुक जमीन पर आकर गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है। लाइट उसे चेक करता है और फिर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये कोई आम बुक नहीं थी बल्कि ये एक एंशंट बुक थी। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक नॉटी लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है और लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लड़का लाइट को पंच मारता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइट का ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। पनिशमेंट देने के लिए लाइट को अकेला ही एक रूम में रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे वो एंशिएंट बुक याद आ जाती है। फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है और ये कोई सिंपल बुक नहीं थी बल्कि रोल से भरी हुई थी, यानी इस बुक को रखने के भी असूल थे। ये बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट को काफी अजीब फील होता है। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तब वहाँ पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर लाइट एक अजीब चीज को नोटिस करता है जो इंसान नहीं था बिल्कुल भी, बल्कि वो एक क्रिएचर था। उसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी और वो काफी डरावना और क्रीपी लुक दे रहा था। लाइट उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा गया है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही इसका ऑनर होता है, यानी उस वक्त इस बुक का ऑनर लाइट था। इस बुक की बड़ी बात ये है कि इसके डेथ नोट्स पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपनी पसंद के तरीके से मार सकता है, लाइक वो कोई भी तरीका चूज करके बुक में राइट कर दे तो मरने वाला सेम उसी मेथड उसी पैटर्न से ही मरेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ऑनर को कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। लाइट फिलहाल तो इस बात पर बिलीव नहीं करता। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जो बुक का ऑनर होता है उस वक्त। अब एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिन में उसने इस बुक में एक नाम तो जरूर लिखना है, और अगर उसने ऐसा ना किया और किसी का भी नाम इस बुक में ना लिखा तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नाम बुक में लिखने की शर्त ये है कि ऑनर को उस पर्सन का ओरिजिनल नेम और फेस जरूर याद होने चाहिए और मौत का कोई एक तरीका लिखा जाएगा जो एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम्हें जरूर इस बुक को आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस नॉटी लड़के को देखता है जो उस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा होता है और उसने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बुक में उसी लड़के का नाम राइट कर देता है और उस लड़के की मौत का वो ये तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। फिर हम बाहर का नजारा देखते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी में लोहे की लेडर्स पड़ी हुई थी जिससे सच में उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत सब लोग ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। ये सब कुछ देखकर अब लाइट को भी यकीन आ गया था कि जो कुछ भी उसे एंजल ऑफ डेथ ने बताया है वो सच है। इसी वजह से लाइट काफी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को लेना नहीं चाहते तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने की वजह से खुला घूम रहा था। इस बात की वजह से दोनों बाप बेटे के रिलेशन भी कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज होता है कि आप मेरी मदर की मौत का बदला नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट ही रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम भी उस डेथ नोट में लिख देता हूँ, और वो ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था, और सडन देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपनी मदर की डेथ का बदला भी ले लिया और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक की पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा हुआ ये बात सोच रहा था तभी लाइट के पास एक लड़की
लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मियां। मियां लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट उसे अपना ये सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिख दें तो वो मर जाता है। लेकिन मियां इस बात का बिलीव नहीं करती। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मियां को लाइव न्यूज दिखाता है जहाँ एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा। अब क्योंकि लाइट को उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा मालूम थे तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखकर मियां काफी शॉक्ड रह जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि अब हम एक बड़ी ताकत के मालिक हैं और हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स, किलर्स और इसी तरह के खतरनाक लोग। अब ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरे इजीली इंटरनेट से मिल सकते थे, इसीलिए वो बुरे लोगों के नामों की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बुक का ऑनर मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था और वो था कीरा। यानी जब भी कोई मरता था तो वहाँ पर लाइट कीरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए और वो गलत काम छोड़ दें। कि अब सब क्रिमिनल्स और बुरे लोगों को मारने वाला कीरा आ गया है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि ऐसे कम अज कम दुनिया से बुरे लोग तो खत्म होंगे। अब क्योंकि था तो वो किलर ही, तो पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। अब क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि काफी स्मार्ट था, जो कि अपने फेस को हमेशा कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नेम भी कोई भी नहीं जानता था। लाइट और मियां अपनी लाइफ में काफी खुश थे और 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि काफी स्मार्ट था तो वो इस केस को स्टार्ट से ही देखता है। अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपने साथ ही मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाएं। लाइट और मियां काफी वरिड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने की साजिश भी की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो मजे में थे। लेकिन एल की एंट्री ने उनकी टेंशन को बढ़ा दिया। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी की सजा होनी चाहिए, जबकि आधे लोग कहेंगे कि आखिर इसने ये सब कुछ कैसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ये सारी बात वो मियां को भी बताता है और उसे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे जिनमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर के डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता था। इसीलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को इस बात का रियलाइज होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देख कर मियां को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सब करके मियां काफी इंजॉय कर रही थी। लाइट और मियां के लिए उनके रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो वो लोग उसका ओरिजिनल नेम जानते थे और ना ही उन्होंने कभी उसकी शक्ल देखी थी, जो कि बुक का रूल भी था। लाइट और मियां इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बुक में उन सारे एजेंट्स के नाम राइट करने चाहिए जो कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव्स कीरा से डर जाएं और मजबूरन उन्हें इस केस को बंद करना पड़े। ये सब कुछ मियां करना चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान लेना नहीं चाहता था। इसीलिए मियां को भी लाइट की ये बात माननी पड़ती है और उस पर एग्री करती है। दूसरी तरफ एल को ये भी पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी पर दिखाया गया है, और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका फेस और नाम वो नहीं जानता। अब उस पर शक ना आए इसीलिए लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन सडन एक इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे एजेंट्स बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड कर लेते हैं जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे, तो फिर ये नाम किसने लिखे थे। यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि अब तक सिर्फ कीरा बुरे लोगों को ही मारता आ रहा था, सब उसे हीरो समझ रहे थे, मगर अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया। इसीलिए अब वो हीरो नहीं बल्कि खतरा बन गया जो किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट काफी वरिड हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब कुछ तुमने किया। तब एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर अपनी कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज लाइट और मियां भी देख रहे थे,
गुस्से में आकर मियाँ लाइट को कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी लिख दो उस बुक में। मियाँ को कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है। एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि अब लाइट के फादर को कीड़ा मारेगा या फिर नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, जिसे एल का जो शक लाइट पर था अब वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि आखिर वो भी तो एक डिटेक्टिव ही हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा, यानी कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। इसीलिए रात को एल लाइट से मिलता है और उसे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफी क्वेश्चंस भी करता है और उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि ये सब कुछ करना अब बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब खतरा उसके सर पर ही था, वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मियाँ एल को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है। वो कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, मगर एल का ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में राइट कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब यहाँ पर बुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर ओनर ने किसी के नाम वाला पेज जला दिया तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ये सिर्फ एक ही दफा होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह एल का असली नाम पता लगवाओ। तब एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक अकेडमी में जाता था, मे बी उसके डॉक्यूमेंट्स में उसका ओरिजिनल नेम हो, इसीलिए लाइट उसे फौरन अकेडमी में जाने को कहता है। एल का फ्रेंड ऐसे ही करता है और वो अकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसे एल का ओरिजिनल नेम पता चल जाएगा तो वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा है, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात भी समझ आ जाती है कि लाइट ने उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से एल काफी वरिड हो जाता है, इसीलिए एल बगैर इन्फॉर्म किए लाइट के घर पर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपका बेटा ही असल कीरा है और इसी ने ही मेरे फ्रेंड को गायब भी किया है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत जो नहीं था। एल उनके घर की तलाशी लेता है, मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ना ही वो एंशिएंट बुक मिलती है, क्योंकि मियाँ उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं एकेडमी तक पहुंच गया हूं और उसके पास बस थोड़ा ही टाइम रह गया था और एल का फ्रेंड बस नाम बताने ही वाला होता है। जब लाइट पेज को जलाने लगता है तो वो देखता है कि वहां पर तो वो पेज नहीं है बल्कि गायब हो चुका है, इसीलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मियाँ ये राज रिवील करती है कि एल के फ्रेंड के नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था और तो और पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी उस बुक में मैंने ही लिखे थे। वो बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है उस बुक में। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मियाँ ने बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के ट्रैप में फंसाया। जब एल को अपने फ्रेंड की डेथ का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ ही लेता है, मगर एल वहां खड़े एक शेफ को कहता है कि ये कीरा है, मेरी हेल्प करो इसे पकड़ने में। लेकिन वो शेफ एल को ही बेहोश कर देता है, क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर जो था। भागते भागते लाइट मियाँ को भी अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं। दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। लाइट मियाँ को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मियाँ लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानती, वो उस बुक को लाइट से स्नैच कर लेती है। ये देखकर लाइट मियाँ को कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर मियाँ समझ जाती है कि उस बुक में लाइट ने मेरा भी नाम लिख दिया होगा। अब दोनों के नाम ही बुक पर थे तो सडन दोनों नीचे गिर जाते हैं। मियाँ की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था, लेकिन वो तो कोमा में चला गया है, लेकिन लोग तो स्टिल मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मियाँ और लाइट झूले से गिर रहे थे तब एक पेज उस बुक में से निकलकर गिरता है और जल जाता है और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था।
लाइट ने एक समझदारी की थी। जब उसे पता चला कि मियाँ ने उसका नाम लिख दिया तो उसने बुक में ये लिखा कि अगर मियाँ उसे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा हुआ है वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ ही उसने बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी बुक में लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है और बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी उस बुक को लेता है और उसमें बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो एक आखिरी बार मियाँ के घर की तलाशी लेता है और वहाँ उसे मरने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इल्जाम मियाँ पर आ जाता है। अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है और वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन उसे नसीहत हो गई थी कि अब की बात वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।